नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आने लगा है, जहां पर अब रोजाना हरियाणा में 1000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1161 नए मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं 600 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही 12 मरीजों की मौत होगी, जिसके बाद कोरोना से मरने वाले मृतकों की संख्या 597 पर जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आज बुलेटिन के मुताबिक राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 53,290 पर पहुंच गया है, जिसमें से 8,680 मामले अभी भी उपचाराधीन है। इसके साथ ही 217 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनमें से 189 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही तो 28 वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 44,013 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। कुछ ही दिनों में ठीक होने वालों की संख्या में कमी आने के चलते रिकवरी रेट में भी अब गिरावट दर्ज की गई है, जो कि रिकवरी रेट अब कम होकर 82.59% पर जा पहुंचा है। अब आपको बताते हैं हर जिले के कोरोना रिपोर्ट का पूरा आंकड़ा कि किस जिले में कितने कोरोना के पॉजिटिव केस है वो सामने आए हैं। बहरहाल फरीदाबाद से 97 केस मिले हैं, गुरुग्राम से 102, सोनीपत से 48, रेवाड़ी से 62, अम्बाला से 90, रोहतक से 39, पानीपत से 78, करनाल से 91, हिसार से 43, पलवल से 18, पंचकुला से 66, महेंद्रगढ़ से 22, झज्जर से 13, भिवानी से 31, कुरुक्षेत्रा से 51, नूह से 4, सिरसा से 33 मामले, यमुनानगर से 157, फतेहाबाद से 32, कैथल से 65, जींद से 19 और चरखी दादरी में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। तो सबसे बड़ी राहत हरियाणा के 22 में से एक जिले को है, वो है चरखी दादरी, जहां पर अब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 रह गई है। वहीं पर 600 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। ठीक होने वालों की जिक्र करें तो 108 मरीजों को छुट्टी फरीदाबाद में मिली है, 94 गुरुग्राम में ठीक हुई हैं, 38 सोनीपत में, रेवाड़ी में 23, 72 अम्बाला में, रोहतक में कोई ठीक नहीं हुआ, 2 मरीज पानीपत से छुट्टी हुई है, ठीक होकर घर लौटे हैं, करनाल से भी 30 मरीज, हिसार से 20, पलवल से 16, 21 मरीज पंचकुला से, 21 महेंद्रगढ़ से, 14 झज्जर से, भिवानी से 26, कुरुक्षेत्रा से 25, नूह से 2, सिरसा से 9, यमुनानगर से 11, फतेहाबाद से 34, कैथल से 36, जींद से 18 मरीज। तो कुल मिलाकर अब ठीक होने वालों की संख्या 44,013 पर जा पहुंची है। अब जिक्र करते हैं कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। एक मरीज की मौत सोनीपत में, जबकि एक एक मरीज ने दम झज्जर, पंचकुला, पानीपत और रोहतक में तोड़ा है। इसके साथ 3 मरीजों की मौत यमुनानगर में और एक की मौत जींद में। तो कुल मिलाकर 12 मौतें पिछले 24 घंटों में हुए, तो ठीक अब आंकड़ा 597 पर पहुंचा है। फिलहाल अभी भी हरियाणा में 8,680 एक्टिव केस हैं। सबसे कम एक्टिव केस की अगर जिक्र करें तो 46 केस नूह में है, 85 मरीजों का इलाज अभी भी झज्जर में जारी है, जबकि 103 मरीजों का इलाज जींद में चल रहा है, 100 का इलाज चरखी दादरी में, 161 का इलाज फतेहाबाद में, इसके अलावा 169 का इलाज भिवानी में, 106 पलवल में चल रहा इलाज, 340 मरीजों का इलाज सोनीपत में। सबसे ज़्यादा मरीज अगर कहीं ठीक हुए हैं तो वो गुरुग्राम और फरीदाबाद है, जहां पर रिकवरी रेट भी दोनों का 91% से ज़्यादा का है। इसके अलावा सबसे कम रिकवरी रेट का जिक्र करें तो सिरसा का रिकवरी रेट बहुत ही कम है, जो कि 51% है महज। इसके अलावा सबसे कम रिकवरी रेट वाला ज़िला अगर माने तो यमुनानगर है, जहां पर पूरा ये ज़िला सबसे पीछे, जिसका रिकवरी रेट 43% है। फिलहाल अच्छी रिकवरी रेट वाले ज़िले हैं झज्जर का हम जिक्र करें तो झज्जर में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, पलवल में रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, और कुल मिलाकर रेवाड़ी, अम्बाला का रिकवरी रेट और सोनीपत का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और कुछ हद तक हम जिक्र करें तो जींद और फतेहाबाद का रिकवरी रेट भी ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क रखें, क्योंकि सबसे बड़ी वैक्सीन चेहरे पर मास्क, और हो सके तो आप अपने घर में रहिए। मित्रों दोस्तों का ख्याल रखें, बिना वजह घर से बाहर ना टहलिए और भीड़ का हिस्सा भी आप ना बने, क्योंकि कोरोना से जंग अभी भी जारी है। और हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, जिसकी चिंता ये है कि जिस तरीके से हम देखते थे कि पहले हरियाणा में बहुत कम केस रोजाना आते थे, लेकिन अब हजारों का आंकड़ा हरियाणा में भी क्रॉस करने लगा है, तो जिससे चिंता ये है कि
कि जिस तरीके से अब वीकेंड पर जो लॉकडाउन है उसके भी अब कहीं ना कहीं असर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाज़ार उसी तरीके से खुले हैं। पहले बाज़ार पूरी तरह से लॉकडाउन होते थे, लेकिन अब पुलिस के डर से बंद है। जैसे पुलिस की PCR निकल जाती है तो उसके बाद दोबारा से दुकानें खुल जाती है। लेकिन सबक यहीं से लेना होगा, कोरोना से जंग को जीतने के लिए ठहरना होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप सबका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।